Hey, what's going on guys? Cowstar here and welcome back to Minecraft Guide episode number 46. And आज के episode में हम जाने वाले हैं end में, basically end city को loot करने. And मैं आप लोगों को पूरी guide दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ लेके जानी चाहिए. And basically lytra और shulker shells आपको कैसे gain करने हैं very easily without मरे, बहुत आसानी से. So आज मैं आपको पूरी guide दूंगा इसकी. So make sure आप पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखा करो, बिकॉज पूरी वीडियो नहीं देखते हो आपको ही नुकसान होता है. सो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखा करो. एंड ऑल्सो एक दो दिन से तीन दिन हो गए माइनक्राफ्ट गाइड को आए, आ जाइए तीन दिन के बाद. आई एम सो सॉरी, ज़रा थोड़ा बिजी था. एज यू नो मैंने एक SMP ज्वाइन करी है विच इज़ डार्क ऑब्सीडियन SMP, एंड जैसा आप लोग उसको जानती हैं मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. सो अब उस वजह से थोड़ा बिजी था. तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. यप बोई, तो हम हार चुके हैं फर्स्ट पर्सन में. एंड मैं हूँ अपने ट्रेडिंग हॉल पे, ज़रा थोड़ी ट्रेडिंग कर रहा था इन लोगों के साथ. एंड ऑल्सो मेरे को ये पढ़े हैं, एंड मेरे को कमेंट कह रहे थे कि भाई एक चीज़ बताओ. मेरे को नीचे कमेंट आई माइनक्राफ्ट गाइड में दो तीन कि भाई तू रेड फार्म बना ले, एमरल्ड इतने सारे मतलब कम है तेरे पास. भाई ऑलरेडी बनाया हुआ है, आई ऑलरेडी हैव अ रेड फार्म ब्रो, ठीक है ना. तो रेड फार्म की मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, रेड फार्म है मेरे पास. मैंने उसका लिटरली जो इस वर्ल्ड में मैंने बनाया है सबके ऊपर वीडियो बनाई है. सो मेक श्योर आप माइनक्राफ्ट गाइड को शुरू से देख लो अगर देख सकते हो तो, वरना कोई इतनी है दिक्कत नहीं है. आप मिड से स्टार्ट करो, पर एटलीस्ट जो जो फार्म बनाए हैं उनके एक बार जाके ट्यूटोरियल्स देख लो, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए फार्म बनाने में. एंड सो देख लेना. एंड ऑल्सो आज मैंने जैसा काम एंड में जाने वाले हैं, सो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या चाहिए. सबसे पहले मेक श्योर कि आपके पास एक लूटिंग 3 शार्पनेस की सोर्ड हो, जो कि मेरे पास है. मैं ज़रा उसको चेंज कर लेता हूँ. आई हैव लाइक इन दिस वन, यस इट्स हैज़ लूटिंग 3 है इसमें, विच इज़ गुड लूटिंग 3. सम एंडर पर्ल्स, एंड एंडर पर्ल्स आर लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक एंडर चेस्ट, बिकॉज ये एंडर चेस्ट इज़ इंपॉर्टेंट ऑल्सो. नेदर स्टार और ड्रैगन ऐप को मैं रख देता हूँ यहाँ पे अभी के लिए. और वी हैव सम टोटम ओवर हेयर, सब वुड रख देते हैं. एंड ऑल्सो मेरे को एक और चीज़ बना के रखनी है इसके अंदर, जो कि है एक और वाटर बकेट, बिकॉज एक वाटर बकेट मैं एक्स्ट्रा इसमें ही रखने वाला हूँ. सम टोटम ऑफ अनडाइंग, फ्यू एंडर पर्ल्स, बिकॉज एंडर पर्ल्स आर रियली रियली गुड. अ सिल टच पिकैक्स, ओ भाई बहुत ज़्यादा ओपी सिल टच पिकैक्स. ओके इसको ब्लॉक को हम यही लगा देते हैं. कुछ आपके पास एक बो होनी चाहिए, बो के बिना तो एंड में चले ही मत जाना भाई, सच में कह रहा हूँ. बो लेके नहीं गए ना तो गंदे मरोगे एंड में. सो प्लीज़ कि आप जो है अपने साथ बो लेके जाओ. एंड ऑल्सो अब मैं अपने टूल्स को ज़रा इसमें ही रखने वाला हूँ, जो कि है ये एंड ये, क्योंकि इनका कोई काम है नहीं लिटरली वहाँ पे. सो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है. थोड़े अपने एंडरपल्स आगे रख लेते हैं ये, एंड अपने आयरन को भी यहीं पर रख देते हैं, बिकॉज हमें कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आयरन की. एंड सो चलते हैं, हम एक्चुअली फुली प्रिपेयर्ड हैं हमें आज. एंड ऑल्सो मेरे जूतों में फैदर फॉलिंग 4 लगी हुई है, बट ये रिपेयर्ड नहीं है. चलो एक्चुअली में इतना कुछ है नहीं, इतनी दिक्कत है नहीं है, कोई बात नहीं. टूटेंगे तो बिल्कुल नहीं, मेरे को पता है, बिकॉज देर वहाँ पे इतना ज़्यादा डैमेज नहीं मिलेगा मेरे को. सो ये टूटेंगे तो नहीं. आई हैव प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन तो इस पर भी लगी हुई है. देन फैदर फॉलिंग ज़रूर होनी चाहिए आपके बोट्स पे, जो कि है. सो अब हम चलते हैं. एंड मैंने इस रोड को भी कंप्लीट कर दिया जो पाथ. एंड ऑल्सो वी हैव मेड आर स्मॉल लेक, जिसमें बस टर्टल्स डालने रहते हैं, कुछ कोरल एंड सी पिकल्स लगाने रहते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया. एंड मैं यहाँ से थोड़ा रोड वगैरह निकालने वाला हूँ. सो माइनक्राफ्ट गाइड को आगे ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा. एंड चलिए आज के एंड में जाने वाले हैं बेसिकली हम, बिकॉज मेरे को वो शल्कर शेल्स चाहिए यार. शल्कर बॉक्सेस आर रियली गुड. एंड मैं आपको एंड में इलाइट्रा की एन्चांटमेंट्स भी बताऊंगा. सो मेक श्योर आप पूरे एंड तक देखो. इलाइट्रा की एन्चांटमेंट्स भी मैं बताऊंगा, शल्कर शेल कैसे यूज़ करते हैं, इलाइट्रा कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको वो भी बताऊँगा. सो अब हम चलते हैं अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के नेदर पोर्टल पे. हम आ चुके हैं हमारे एंड पोर्टल पे, जो कि है ये. एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने नेदर हॉलवे का काम क्यों नहीं करा, बिकॉज मेरे को शल्कर बॉक्सेस चाहिए थे, बिकॉज सोल सॉइल को ट्रांसफ़र करने में बहुत दिक्कत हो रही थी. सो मैंने सोचा कि पहले ज़रा ये काम कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे. सो जाते हैं यहाँ पे, अपना रिस्पॉन पॉइंट को सेट कर लेते हैं. एंड हमारा रिस्पॉन पॉइंट सेट हो चुका है. जो है ब्लॉक्स हम ले लेंगे, एंड से ही ले लेंगे. चलिए चलते हैं एंड में. एंड यहाँ पे स्कैफोल्डिंग मत लगाया करो यार, मैंने
लाइक मेरे को पता है मैंने आप लोगों को ये दिखाया था कि यहाँ पे स्कैफोल्डिंग लगा दो, बट यहाँ पे कुछ लगाया मत करा करो, बिकॉज लाइक जब वर्ल्ड दोबारा लोड होता है ये हमारा यहाँ पे हम स्पॉन होते हैं, सो ये जो यहाँ पे गेम जो है कुछ भी रहने नहीं देती है, सो मेक श्योर आप एक ऐसा हॉलवे ही बना लो, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज़ गुड। ओके हम आगे हैं एंड में, एंड ऑल्सो लेट्स कलेक्ट सम ब्लॉक्स एंड मेक श्योर आप थोड़े डाउन रखो। एंड वाटर मैंने इसलिए कहा था बिकॉज लाइक एंडरमैन को हम वाटर से थोड़ा पीछे कर सकते हैं, डरा सकते हैं, सो दैट्स वाई मैंने आप लोगों को ये कहा था। से एंड ब्लॉक्स अपने साथ रखा करो यार, मैं आपको बताना ज़रा भूल गया, या कभी कभी भूल जाते हैं यार, क्या हो जाए, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। सो यार लेट्स कलेक्ट सम, ओके इतना बहुत ही, अब भी बहुत तो नहीं होंगे, पर यार चलो देख लेते हैं। एंड अगर आपके पास एंडरपर्ल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बिना एंडरपर्ल के भी जा सकते हैं अंदर वहाँ पे। अब हमें देखना है कि हमारा एंड सिटी का पोर्टल जो है वो कहाँ पे है। ओके दे वो रहा एंड सिटी का पोर्टल, ये जो है आप कितने मर्जी एंड सिटी के पोर्टल ले सकते हो, बस आपको ड्रैगन को रीस्पोन करना पड़ता है। से एमेक ओके ओके आराम से भाई, आराम से मेरे को जाना है वहाँ पे। ओके थोड़ा डाउन देखेंगे हम, ओके यहाँ से जाना है, सो मेक श्योर आप क्राउच हो, क्राउच रहो। ओके एंड लेट्स मेक अ स्टेयरवे बना लेते हैं वहाँ तक का। ओके आराम से बिल्कुल, भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार। ओके आराम से आप, भाई साहब मैं बहुत गलती कर रहा हूँ। ओके इस तरीके से आपको स्टेयरवे बनाना है, अब तो मैं बना पाऊँगा। ये वॉइड है बहुत आराम से हमें काम करना पड़ता है। ओके पूरे थे हम। सो आप पानी से भी जा सकते हो, यहाँ पे एक छोटी सी इस यहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह लगा के एक छोटी सी इन्फिनाइट लेक बना दो, उसमें तैर के आप जा सकते हो इसके अंदर। सो अगर आपके पास एंडरपल नहीं है तो आप उससे भी जा सकते हो, वरना इसके अंदर क्लिक करो एंड आराम से छेड़ना मत बिल्कुल नीचे, ठीक है। या सो दैट्स योर स्पॉनिंग लोकेशन। एंड अब इसका जो है आप एक प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, या मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट ताकि हमारे कोऑर्डिनेट्स हम खोए ना। ओके एंड थोड़ा डाउन करके चलो, एंड हम ये देखो ये रहे कोरस फ्रूट जो होकी होते हैं एंड में, आप इनको ओवरवर्ल्ड में उगा सकते हैं अपने घर पे। सर बस आपको क्या है, बहुत से ये जो फूल लगे हुए हैं ना इनको शूट करना होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल से, वो कुछ भी हो सकती है, उससे जो है आपको ये वाले ये मिल जाएंगे जो कि होते हैं कोरस फ्लावर। एंड मेरे को ये ओके मेरे को किसने मारा, ओके ओके जैसे आपको कोई मारे ठीक है, बस आप दिक्कत की बात ही नहीं है, आपने पानी लगा दिया वो आपको नहीं मार पाएगा, टेक्निकली तो नहीं मार पाएगा। कहाँ गया भाई, हाँ आ जा अब की कर, हाँ अब तो नहीं आएंगे, मेरे को पता भाई अब नहीं आएगा वो, ठीक है। सो इसी बहाने थोड़े ये कोरस फ्रूट भी हमारे कलेक्ट हो गए, इनको हम तोड़ के कलेक्ट कर सकते हैं, से ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब बस हमें ट्रैवल करना है एंड जहाँ पे हमें एंड सिटी मिलती है उसको लूटना है। ओ माय गॉड मिल गया भाई साहब फाइनली। ओके सो आप लोगों के लिए तो ये सिर्फ एक या दो सेकंड की ट्रांजिशन होगी, मेरे लिए ये आधे घंटे का ट्रैवल है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। ओ माय गॉड बीच में दो तीन एंडरमैन एग्रो भी हुए थे पर मैंने संभाल लिए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके एंड सो देखो मेरे को मिल गई है एंड सिटी एंड इट लुक्स क्यूट एंड ब्यूटीफुल। सो अब बता देता हूँ इलाइट्रा क्या सीन है, जो ये आपको उड़ती हुई शिप दिख रही है ना, जो उस ये जो सिटी है इससे अलग जो ये शिप उड़ रही है ये इसी के अंदर ही इलाइट्रा होती है, पर कहीं कहीं एंड सिटीज़ में क्या होता है ये शिप जो है साथ में नहीं होती, यानी एंड सिटीज़ तो होती हैं पर ये साथ में नहीं होती। सो आपको ढूंढनी कौन सी है अगर इलाइट्रा चाहिए तो जिस एंड सिटी पे ये शिप है, ठीक है। एंड हम वहाँ पे एंडरपल कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ओके हम काफ़ी क्लोज आ गए। अब देखो अब काफ़ी लोग क्या करेंगे, ब्लॉक्स लगा के वहाँ ऊपर रश करेंगे, डोंट डू दैट, क्योंकि रीज़न तो कुछ नहीं है, बस एक तरह से थोड़ा नूब जो होते हैं ना वो ये काम करते हैं। सो प्लीज़ आप जो है ये काम ना करें, ये आपको मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है। एंड ऑल्सो नीचे से ही स्टार्ट करें बिकॉज नीचे से स्टार्ट करोगे बहुत बेहतर रहेगा आपका ये, एंड एक अच्छे से एक प्रॉपर वे में कर पाओगे। सो प्लीज़ ऊपर वहाँ पे जाने की रश ना करें, नीचे से ही हम स्टार्ट करेंगे एंड ऊपर तक जाएंगे, सारों को हम लूटेंगे, सारे शल्कर्स को मारेंगे। देखो वो जो बंदे दिख रहे हैं ना आपको, वो जो ये बैठे हैं वो होते हैं शल्कर्स, एंड वही ड्रॉप कर, भाई साहब हो गया, देखो एग्रो हो गया था ना, कहाँ है कहाँ पे है,
आना आना आना, अब कोई दिक्कत नहीं। हम बेसिकली आपको क्या करना है, इनको मारना है। ओके मर गया मर गया। देखो इसने मेरे को टच, मेरे को वो दिया ना, इस ये दे देते हमें लेविटेशन 2 का इफेक्ट, जो हमें थोड़ा हवा में तरा देता है। एंड अगर आप काफ़ी ऊपर चले गए इस इफेक्ट को लेके तो आप मर सकते हो, इसीलिए यहाँ पे काम आती हैं बोज। एंड या वैसे अगर आप इनको लूटिंग से मारोगे तो ये जो हैं हाँ शल्कर शेल्स ड्रॉप करेंगे, बिना लूटिंग के मारोगे तब भी शल्कर शेल्स ये ड्रॉप करेंगे। वो 3 शल्कर शेल्स हो गए, थोड़ा कॉर्नर में आ जाते हैं हम। एंड अगर मैं एक बनाऊं क्राफ्टिंग टेबल टेबल रखूं और थोड़ी वुड लूं, एक चेस्ट बनाऊं, सो देखो ये होती है रेसिपी एक शल्कर बॉक्स बनाने की। एंड शल्कर बॉक्स में हम रख सकते हैं अपना जो भी सामान हमें रखना है, जैसे मैंने इसके अंदर शल्कर शेल रख दिया ये। एंड इसको मैं तोड़ूंगा तो सामान ड्रॉप नहीं होएगा, इसके अंदर ही रहेगा, ये फ़ायदा होता है शल्कर शेल का। एंड बाकी मैं इसी के अंदर रख देता हूँ जस्ट इन केस, एंड दैट्स वाई ये इसलिए जो है शल्कर, ये जो है शल्कर शेल्स मेरे को चाहिए, बिकॉज दे आर रियली रियली गुड थिंग। अब हम नीचे से चलते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ा आराम से चलेंगे यहाँ पे, यहाँ इस फ्लोर पे तो नहीं होते, अब आएगा असली चैलेंज। सो अगर मेरे पास कुछ ब्लॉक्स हैं, यस ब्लॉक्स हैं मेरे पास, सो मैं यहाँ चढ़ के ओके थोड़ा आराम से यहाँ पे चढ़ के मैं इन सब को ब्लॉक कर देता हूँ, ताकि अगर मैं ऊपर से गिरूँ भी तो आप सोचो कि ऊपर से गिरने में अब क्या चैलेंज आने वाला है, कुछ नहीं, ठीक है। सो ज़्यादा नीचे ना गिरूँ इसलिए मैंने ये लगा दिया। ओके अब यहाँ पे सेपरेट हो जाती है लोकेशन, ये सेपरेशन वाला रूम है, एंड इसके ऊपर जो है वो एक मेन रूम है। मेन रूम में हम, ओ भाई वो बंदक, अबे यहाँ आस पास, ओ यहाँ कोई ये रहा वो शल्कर। ओके चलते हैं, ओके 2 सेकेंड इसको तोड़ो ज़रा, यस अब चलते हैं। एंड ओ ओ ओके बच के ओ भाई भाई ओके आराम से। अब ध्यान रखना कि आप थोड़े कवर के नीचे आ जाएं, तो आप जैसे मैं इस कवर पे आ गया सो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी लेविटेशन 2 हट जाएगा। अगर लेविटेशन 2 ज़्यादा ऊपर चला जाता है, लेविटेशन 2 का इफेक्ट ले, ओके मारा नहीं है वो, टेलीपोर्ट करते हैं, यस दे ओ आराम से ज़रा बाहर की तरफ आ जाते हैं हम थोड़ा, यस हमें थोड़ा बोस से इनको मारना पड़ेगा अभी, बो एंड एरो से अपनी, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे हैं एंड इकट्ठे जब काफ़ी सारे ये बंद मारते हैं सो यह डी। एंड हाँ ये प्रोजेक्टाइल जो ये शूट करते हैं ये डैमेज भी देती हैं हमें, सो ओके 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 मैंने फाइनल हिट जो है अपने सोर्ड से दिया था। ओके ओके ठीक है, एक्चुअली बताऊं कि मैं सोर्ड से क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि सोर्ड पे लूटिंग 3 लगी है, सो मेरे को जितना होगा उतने ज़्यादा शल्कर शेल्स मिलेंगे। ओके अबे साले भाई साहब मैं क्यों नूबी बनती करता हूँ, ये MCP पे खेलना ना लाइक ओके शल्कर शेल्स भैया, शल्कर शेल्स भाई ड्रॉप ना करे भाई छोरों ने, अरे हाँ यार फ्लेम लगी हुई है ना मेरे उस पर, ओके थोड़ा फ्लेम भी काफ़ी दिक्कत देगी, सो यहाँ पे भी लगा ही। एक्चुअली में हमारे पास काफ़ी सारे रूम्स थे, सो पहले हर एक रूम पे जाए आते हैं, हर एक रूम की एंट्रेंस पे जाए आते हैं। इस पे देखे तो ओके ये भी एक मेन रूम है, सो इससे कनेक्टेड एक और रूम है। ओके सो यप हमें सबसे पहले जाते हैं थोड़े छोटे वाले पे जाते हैं ना, सो ओके इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, बिकॉज नहीं मेरे को नहीं आना अभी यहाँ पर वापस। ओके इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं तोड़ देता हूँ। ओके अब यहाँ पे ये रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, अब एटलीस्ट गिरने का डर नहीं है। हम आ चुके हैं उस रूम में जो कि ज़्यादा मेन नहीं है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। यहाँ पे बस एक शल्कर ही होगा ऊपर अगर मैं ध्यान से, ओके वो शल्कर है नहीं, मे बी टेलीपोर्ट कर गया हो, आई डोंट नो अभी। ओके आराम से जा सकते हैं हम। ओके ये अब यहाँ से 2 रास्ते बैठते हैं, एक तो है ऊपर वाला, इसको मैं ज़रा ब्लॉक नहीं करना बिकॉज हमें जाना है, सो ऊपर कोई शल्कर नहीं है, उधर से तो हमें बस NCT में अपनी उस शिप पे जाना है। सो मैं क्या सोचता हूँ, यहाँ पे 1 या 2 शल्कर हैं, इनको हराते हैं जल्दी से। ओके इसने ड्रॉप करे 3 शल्कर, ओके एक बार में 3 भी करते हैं, बिकॉज आई फॉरगॉट अबाउट देयर लाइफ। ओके इसने कोई ड्रॉप नहीं करे, क्रैप कोई बात नहीं चलते हैं। ओके एक बाहर की तरफ है वो, वहाँ पे वो देखो ध्यान से, वो देखो वो चीकी मॉन्स्टर बैठा है, खोल। ओके वो अंदर की तरफ टेलीपोर्ट करा उसने, मुझे पता था सालों में तुम्हें क्या लगता है।
ओके अबे यार ये दुखी करेगा, कोई बात नहीं, चलते हैं हम अपनी एंड शिप पे। ओके यहाँ से अब जाने के 2 से 3 तरीके हैं, या तो हम ब्लॉक लगा के जा सकते हैं जो कि मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा आपको, एंडरपल कर सकते हैं पर अगर एंडरपल गलत हुआ तो हमें ब्लॉक लगा के ही जाना पड़ेगा, एंड ऑल्सो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ से। ओके जितना हो सके हम उनको मारें यहाँ से तो अच्छा है। ओके मर गया वो तो, आएगा सब में प्रॉब्लम नहीं होनी, होनी होएगी भाई, प्रॉब्लम क्यों नहीं होएगी। ये देखो अबे भाई, अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं दिखता चलकर शैल, सच में कह रहा हूँ ये आपको बिल्कुल नहीं दिखता। ओके अबे साले तेरा शलकर शैल नीचे ड्रॉप होएगा। ओ भाई उसने शलकर दिया भी है भाई शैल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नीचे से हम पिकअप कर लेंगे। हम पहले जल्दी से जाते हैं अंदर। ओके भाई वो शलकर शैल बड़ा प्यारा लग रहा है यहाँ से देखने में। ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम ले लेंगे उसे, दिक्कत की बात नहीं है। ओके पहुँच ही गए एक्चुअली में, हम थोड़ा सा हम ऐसा नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके ओके आराम से हो गया, एंडर पर्ल करना इज जस्ट वे टू हार्ड यार। ओके यहाँ से यहाँ पे हमें जो है थोड़ी इंस्टेंट हेल्थ की पोशंस मिलेंगी, ले लेते हैं क्या जा रहा है। ओके यहाँ पे एक चलकर मिलेगा हमें जो रखवाली कर रहा होगा हमारी लूट की, थैंक यू आपने हमारी लाइट्रा की रखवाली करी। एंड देयर वी गो आर ओन स्वीट इलाइट्रा, ओ माई गॉड। ओके सबसे पहले इसके अंदर लूट, ऑब्वियसली हमेशा अच्छी लूट होती है यहाँ पे जैसा मेरे को पता था। ओके ये ले लो, एमरल्ड की मेरे को ज़रूरत नहीं है, सोर्ड ले लेते हैं हम। ओ माई गॉड 10 डायमंड भाई साहब 10 डायमंड। ओके एफिशिएंसी 4, हेलमेट मैं ले लेता हूँ। एंड हेलमेट पे क्या लगा हुआ है, कर्स ऑफ वैनिशिंग, कोई बात नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कर्स ऑफ वैनिशिंग से। कर्स ऑफ बाइंडिंग मेरे को अच्छा नहीं लगता बिकॉज लाइक वैनिशिंग तभी तो वैनिशिंग तब अनअफेक्टिव हो जाता है जब आप मरते हो, अगर आप मरोगे नहीं तो वो इनअफेक्टिव होगा ही नहीं। सो या इसके अंदर मैं शलकर शल रख देता हूँ। एंड अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं नीचे। यस अब मैं नीचे जाने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि तू नीचे क्यों जा रहा है, तेरा दिमाग ख़राब हो गया। नहीं नहीं अभी नहीं जा रहा नीचे मैं, मेरे को लेना है ये जो कि है ये, अबे वो नीचे वाले पे लगा होता। ओ माय गॉड मैं गिर गया था। ओके मरना नहीं है एक्चुअली में, अबे यार ये टूट। ओके नीचे मेरे को वैसे भी जाना ही, अरे यार ये गिरेगा। ओके 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 मैंने ले लिया मैंने। ओके आराम से मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं एक रिस्क लेने वाला हूँ जो कि है मेरे टोटम ऑफ फंड। ओह भाई साहब मेरी फट जाती है सच में जब ये करता हूँ मैं। ओके मेरे को जाना है नीचे। सो ओके यहाँ पे तो वॉइड है, इधर से तो बिल्कुल भी नहीं, इधर से मेरे को नीचे जाना है बिकॉज लाइक मेरे को वो शलकर शैल उठाना जो कि वो पड़ा है, एंड मैं नीचे ड्रॉप करूँगा। तुम्हें लगा था मैं मर जाऊँगा हैं, तुम्हें लिटरली लगा था कि मैं मर जाऊँगा। नहीं भाई एक्चुअली मेरे को डर लगा था, 2 सेकंड के लिए आपको भी डर लगेगा। ओके या खतरों के खिलाड़ी, नेक्स्ट सीजन जाने वाला हूँ मैं। ओके या ये जो वाटर बकेट की ट्रिक है ना, लाइक इट्स अ ट्रिक इट्स अ गेम मैकेनिक, ठीक है ना। ओके मेरे को लगा ये एग्रो हो गया मेरे पे, कोई बात नहीं। हमारी लाइटर आ गई हमारे पास हमारी शलकर शेल्स काफ़ी सारे आ चुके हैं, पर नहीं अभी हमें और शलकर शेल्स भी लेने हैं। अभी हमें मेन रूम लूटना है, मैं बेसिकली उस शलकर शेल के लिए नीचे आया था। ओए तू यहाँ पे टेलीपोर्ट हुआ था साले, मेरे को लगा यहाँ पे शलकर शेल रह गया मेरा, मेरे को शलकर बॉक्स रह गया मेरा, पर नहीं कोई बात नहीं। ओके अब जाना है मेरे को ऊपर, सोया मेन रूम है चलते हैं, एंड मेन खजाना भी इसी में मिलता है, सबसे बढ़िया वाला टॉप नॉच खजाना। मरो मर 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 मर। ओके दिए इसने शलकर शैल, यू आर रियली गुड शलकर बॉक्स, शलकर बॉक्स नहीं सॉरी क्या बोलता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके यस मैं तो मैं ज़रा रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, तो मेरे को जो भी मिल रहा है मैं जल्दी से उसको बस रख रहा हूँ। ये भी रख देते हैं, डायमंड्स भी रख देते हैं अपने, एंड जो टूल्स मिले हैं हमें टूल्स भी रख देते हैं इसी में ही। ओके हेल्थ की पोशन। ओके हमारे पास 10 शलकर शेल्स हो चुके हैं, यानी कि टोटल 5 शलकर बॉक्स हो चुके हैं, पर अभी बहुत सारे मिलने बाकी हैं। एंड मैं जितना हो सके सोर्ड यूज़ करने की कोशिश करूँगा, बट या एट द एंड हमें कुछ नहीं पता क्या हो जाए क्या करना पड़ जाए। सो या एंड ओके मेरे पास ब्लॉक्स नहीं बचे हैं एक्चुअली में हैं,
सो मेरे को मेन जो है दिक्कत होती है वो ये यहाँ से है। सो एक बार मिडल में लग जाए ना कोई ब्लॉक, सो यार बस यहाँ मिडल में लग जाए तो फिर कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत है ओके है नहीं। ओके अब हम चल रहे हैं ऊपर। ओके मेन रूम मैं कह रहा हूँ ये है, आने वाला है बिल्कुल ये वो देखो शल्कर ब्लास्टिंग यहीं से शुरू हो गई। ओके मैंने मारा एक को एंड एक और मेरे को दिख रहा है वहाँ पे चीकी लिटिल बास्टर्ड जो कि इधर टेलीपोर्ट किया एंड इधर से मैंने इसको मार दिया। ओके आराम से मेरे को रूम में मेन रूम में हैं एक्चुअली में हम इसको तोड़ो। ओके अपने शल्कर शेल्स उठा लो एंड भग लो यहाँ से, नहीं हम भगने नहीं वाले। अबे बस जा अबे यार ये बड़े वाला नहीं। ओके 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 गिव मी दैट शल्कर शेल। ओके ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं था किसी भी एंगल से। ओके ओके एंड यहाँ पे भी है। ओके मेरे को जाना है ऊपर। यार ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है यार, मैं ब्लॉक्स नहीं लेके आया, दैट्स वाई ये सब हो रहा है, वरना ब्लॉक्स लेके आता तो बिल्कुल भी हमें ये दिक्कत नहीं होती। ओके अभी हाँ आ गए हैं, ये मेन रूम तो है ही है आई गेस, इसके ऊपर भी कुछ और होगा। ओके एक हेलमेट कर्स ऑफ वैनिशिंग के साथ आप अपने पास ही रखो इन दो को, ये मेरे को नहीं चाहिए। ओके रेस्पिरेशन आई टेक दैट सील टच, नहीं 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 नहीं। ओके आई गेस अब ये ख़त्म, हाँ बिल्कुल ख़त्म, हमने सारी ही सारी एंड सिटी को लूट डाला, कुछ भी नहीं बचा है अब करने को। अब मेन चीज़ आती है अब यहाँ से निकलें कैसे, मेरे को वापस नहीं जाना है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, यस काफ़ी लोगों ने तो अभी तक गैस कर भी लिया होगा कि मैं करने क्या वाला हूँ। सो ये लाइटर के वो दिखाऊंगा। सो इसमें रखना है मेरे को अपना सारा का सारा सामान जो कि है मेरे पास। बेड को छोड़ देते हैं, ये ले लेते हैं, ये मेरे सारे टूल्स। ओके मेरे सारे के सारे टूल्स, मेरा आर्मर, ठीक है मेरा आर्मर मैं उतार देता हूँ, ये एंड ये और ये। एक्चुअली मेरे को क्या है, दे दो सेकंड नीचे जाके जो है एक कर्स ऑफ एक पिकैक्स ले चाहिए मेरे को दो सेकंड के लिए। ओके यस ये कर्स ऑफ वैनिशिंग वाली अभी के लिए चलेगी। मेरे को क्या करना है, मेरे को अब कोई चीज़ नहीं रखनी एंड ये रख देता हूँ एंड इसको तोड़ के मैं लगा देता रख देता हूँ इसमें। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है एंड ये सब सामान जो है अंडर चेस्ट के अंदर रखा हुआ है। सो अब मेरे को जाना है वापस। सो या लेट्स ड्रॉप डाउन, ये डेड। ओके अब वर्ल्ड रिलोड होगा एंड आई एम हियर इन द ओवर वर्ल्ड। अब बस मेरे को वापस जाना है। इट वॉज लाइक अब सोच रहा हूँ कि तेरी तो एक्सपी चली गई, अब तू क्या करेगा। आई डोंट केयर अबाउट एक्सपी एट ऑल, मेरे पास गोल्ड फार्म है एक्चुअली विच इज़ अ एक्सपी फार्म, बट या ज़्यादातर हम उसको मतलब एक्सपी के लिए यूज़ करते हैं। एक्सपी की कमी नहीं है यार अपने पास, ठीक है कोई कमी नहीं है। अब घर पे चलते हैं। ओके तेरे से मेरे को लड़ना नहीं है, जा यहाँ से। गए हैं ओवर वर्ल्ड में एंड यहाँ, अबे यार ये दो कैसे बच गए भाई। ओके कोई बात नहीं, मेरे को बनाना है यस एंडर चेस्ट एंड एंडर चेस्ट को रख के मैं निकाल सकता हूँ मेरा सारा सामान जो कि है ये सब। दिस मच ये सब तो अभी ये वाला डाल लेते हैं को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल स्टफ लाइक दैट। सबसे पहले इस पे दो एन्चेंटमेंट्स आपको लगानी एंड उसके अलावा कोई एन्चेंटमेंट लगती भी नहीं है। एंड लेट मी फाइंड यस मेंडिंग, अबे मेंडिंग चाहिए मेरे को एंड मेरे को मांगता है। ओके यहाँ पे ज़रूर होगी एक अनब्रेकिंग 3 की बुक मिलेगी क्या। ओके कोई बात नहीं, बाय कर लेते हैं अनब्रेकिंग 3। ओके अनब्रेकिंग 3 चाहिए मेरे को, यस इसके पास था, पप्पू के पास था अनब्रेकिंग 3 है ना, यस अनब्रेकिंग 3 की एक बुक चाहिए थी बस मेरे को। एंड बाकी हम अपने एमरल्ड्स को वापस उसकी जगह पे रख देते हैं। अब मेरे को लगाने हैं, वेयर इज़ माई एंड, लगाते हैं हम अपने इस पे अनब्रेकिंग, पहले अनब्रेकिंग, अबे पहले कंबाइन कर सकते थे हम पैसे, कोई बात नहीं। एंड इसमें मैं नाम रखूँगा इसका पंछी बनूँ, पंछी बनूँ उड़ता फिरूँ, पंछी बनूँ उड़ता फिरूँ, यस FHIRU, यस पंछी बनूँ उड़ता फिरूँ, यप एंड दिस इज हाउ आई लुक। ओ माई गॉड आई लुक अमेजिंग यार। एंड रात हो गई है पर कोई बात नहीं। सो इसको उड़ाने का एक और, अबे यार मेरे को थोड़ा दौड़ा मेरे को ज़रा प्रैक्टिस करनी है। अबे यार उड़ जा,
हाँ ये देखो उड़ गया, मेरे को पता था। ओ माय गॉड, माइनक्राफ्ट गाइड वर्ल्ड में पहली उड़ान। यस मैं का साला कौन है आसपास बे, हट अबे अबे भाई 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 भाई, ओके मर तू। ओ भाई साहब मेरे को सोना है, सोने के बाद आपको एक और बार प्यारे से बिल्कुल उड़ के दिखाता हूँ। या मेरे को काफ़ी टाइम के बाद उड़ रहा हूँ। यप यस, देखो एक बार में उड़ गया ना, सो यार दिक्कत की कोई बात नहीं होती है। ओ ओके एक बार ऊपर से देखते हैं माइनक्राफ्ट गाइड वर्ल्ड को। हो माई गॉड, ओ माई गॉड कितना प्यारा लग रहा है। अबे रेंडर डिस्टेंस से बाहर नहीं जाना था भाई। ओ माई गॉड भाई, ये हमारा बेसूरत सा मो फार्म, कोई बात नहीं। एंड लुक एट दैट यार, माइनक्राफ्ट गाइड वर्ल्ड कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। ओ माई गॉड कितना प्यारा वर्ल्ड लग रहा है। एंड यह दैट इज इलाइट्रा बॉयज। सो गाइज आई होप यू गाइज अब आप समझ गए होंगे कैसे क्या होती है इलाइट्रा। एंड काफ़ी लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि मैं उड़ा कैसे। सो मेरे को तो प्रैक्टिस है वैसे। आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने एक वीडियो बनाई है हाउ टू फ्लाई इलाइट्रा बहुत ही आसानी से। सो आप जस्ट सर्च करो हाउ टू फ्लाई इलाइट्रा बल्कि स्टार, आपको टॉप पे वीडियो आ जाएगी। सो बस मैं आप लोगों को ये कहना चाहता था। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं, तब तक के लिए सी यप, गुड बाय।